अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट क्लास है क्योंकि हमारे पास कोई कैमरा मैन नहीं है, तो इस वजह से थोड़ी सी डिफिकल्टीज होंगी। आपको देखने में थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्योंकि मेरे पास कोई टॉपिक नहीं बचा है, पर्दे के इशू की वजह से बहुत सारी लड़कियों को इशू है कि वो अपना फेस नहीं दिखाना चाहती यूट्यूब चैनल पर। तो इस वजह से मैं आज थोड़ा सा आई मेकअप आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। तो मेरे पास मौजूद है प्राइमर, ठीक है, मैं प्राइमर लगा रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आई मेकअप करूँगी, कंप्लीट मेकअप नहीं करूँगी। नेक्स्ट जो हम लगा रहे हैं वो है ग्लैमरस की बेस, ठीक है। थर्टी सिक्स नंबर है ये। स्पंज जो है हमेशा अपनी इंडेक्स फिंगर से यहाँ से पकड़े, इसको ऐसे नहीं बल्कि ऐसे पकड़ा जाता है। अच्छी तरह से ब्लेंड करें शेड बेस को। आइस खोलें। ये देखें, चूँकि हमें फेस की तरह पूरी ही बेस बनानी है, दैट्स वाई जो है हम आई का जो मेकअप कर रहे हैं वो भी हम कंप्लीट बेस के साथ ही कर रहे हैं। तो मैं लूज पाउडर लगा रही हूँ, ये लूज पाउडर है, ठीक है। क्लोज योर आईज, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इंशाल्लाह जब प्रॉपर पार्टी मेकअप होगा वो लुक भी आप देखेंगे ज़रूर। ओपन योर आईज, हमारे क्लाइंट ने बहुत सारा काजल और मस्कारा लगाया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, मेरे पास कंट्रोल किट है, आप लोग देख सकते हैं, ये कंट्रोल किट है। तो मुझे जो है आईब्रो के लिए शेड उठाना, तो मैं इसमें से देखें, इसी में से शेड उठाऊंगी, ठीक है। मैं ये डार्क ब्राउन शेड उठा रही हूँ, दिस वन, और मेरे पास कट ब्रश है,
जिन टीनेज लड़कियों की आईब्रोज नहीं बनी हुई होती हम उनको जो है आईब्रोज शेड से उनकी आईब्रोज को कवर करते हैं। सी डिफरेंस बिटवीन रियल और पार्लर आईब्रो। अच्छा नेक्स्ट स्टेप है हमारा आई बेस का। तो मैं आई बेस बना रही हूँ इनकी कॉपर कलर की, ठीक है। ये वाला शेड उठा रही हूँ मैं, ठीक है। सी फिंगर यूज कर रही हूँ मैं, अपनी नेक्स्ट फिंगर। अब मुझे कट क्रीज के लिए एक शेड उठाना है, तो मैं ये वाला शेड उठा रही हूँ। सॉरी, ये ग्लैमरस की किट है, ठीक है। सी दिस इज टू सॉफ्ट मेकअप फॉर आइज फॉर पार्टी टाइम। अच्छा अब मैं इनका इनर कॉर्नर बनाऊंगी सिल्वर से। तो ये है इनर कॉर्नर बिल्कुल यहाँ पर। इनर कॉर्नर बिल्कुल यहाँ पर। अब हम लगा रहे हैं लाइनर, ठीक है। ये है मेरे पास लाइनर ब्रश, और अगर आपको कंपनी चाहिए तो ग्लैमरस की है, ठीक है। शेड को मैंने वेट किया है, लाइनर को भी मैंने थोड़ा गीला किया है। आई होप आप लोगों को नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट करें। थोड़ी सी क्रीज बनानी है मुझे ऐसे कट लगाकर, ठीक है। ये मैंने क्रीज बनाई है, थोड़ी सी कट लगाया है। देन इसी क्रीज को लाते हुए मैं नीचे आ जाऊंगी बिल्कुल ऐसे, और जो ब्लैंक है उसको फिल कर दूंगी।
लाइनर भी लग गया है, ठीक है। अब इसमें एडिशन हम ये करते हैं कि हम इनके काजल की जगह हम कोई डार्क शेड उठाते हैं ताकि इनकी आईज थोड़ी और बड़ी लगे, ठीक है। मैं ये शेड उठा रही हूँ, देखें ये बिल्कुल ब्लैक के साथ, ये वाला शेड। फाइनल टच मस्कारा। जब मैं आपको प्रॉपर फिजिकल अपीयरेंस में क्लास दूंगी तो मैं आप लोगों को आईलैशेस भी बताऊंगी। फाइनल टच देखें आप, बिफोर भी मैंने आपको दिखाया था। शेड्स के ब्लेंडिंग आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिफोर भी आप लोग देखें, वीडियो को बैक करके देखें, ना होते हुए भी अपने आई मेकअप कर लिया है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास आपकी इससे भी बेहतर हो सकेगी। वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।